हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास सिक्स का हिस्ट्री बुक है, एसएससी सोशल साइंस है और चैप्टर टू है। इस चैप्टर का नाम है द अर्लीस्ट सोसाइटीज फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। यहाँ पे कई सारे युग के बारे में बताया गया है। फर्स्ट में दिया हुआ है पैलियोलिथिक एज, जिसको ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, पूरा पाषाण काल। हिंदी में हम लोग जो पढ़ते थे पूरा पाषाण काल, उसी का ये इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज मतलब नवीन पाषाण युग, और मेसोलिथिक एज मध्यम, मिडिल स्टोन एज मध्यम पाषाण युग, और यहाँ पे कैलोलिथिक एज, ब्रॉन्ज मतलब कांस युग, और कॉपर स्टोन एज मतलब ताम्र युग हो गया। इस तरह से इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो स्पेशली मैं आपको चैप्टर को पूरा डिटेल करके नहीं बतलाऊँगा, लेकिन इस एज से शुरू होता है। यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है, ये चार एज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पैलोलिथिक एज सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है, ओल्ड स्टोन एज पूरा पाषाण काल दिया हुआ है, उस समय लोगों की क्या स्थिति थी और वो कितने समय शुरू हुआ था, तो यहाँ पे बताया गया है 100,000, 10,000, 1,000,000, 5 लाख वर्ष पहले ही ये स्टार्ट हुआ था। बीसी मतलब इस भी जो चल रहा है, एडी स्टार्ट होने से 5 लाख पहले, इतना समय पहले ही ये युग स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बीता, तो इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। उस समय लोग भोजन के लिए शिकार क्या करते थे, शिकार पे डिपेंड रहते थे। यहाँ पे दिया हुआ है फूड गैदरर और हंटर। फूड गैदरर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वे पेड़ पौधों से वनस्पतियाँ कंदमूल इस तरह के खाद्य पदार्थ जो है जमा करते थे और जानवरों का शिकार क्या करते थे, उसी को खाया करते थे। बच्चों, आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप सुन पा रहे होंगे, बहुत तेज़ आंधियाँ चल रहा है और बारिश भी बहुत हो रही है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। अगर जल्दी वीडियो ना बनाया जाए तो फिर हम लोग पीछे रह जाएंगे इसीलिए। और आगे यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि लोग मूव इन सर्च ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स, तो अलग अलग मौसम में लोग इधर से उधर चले जाते थे, वो घूमते रहते थे भोजन की तलाश में। इसके बाद यहाँ पे वे जानवरों को जो मारने के लिए टूल्स का उपयोग करते थे, यहाँ पे टूल्स दिया हुआ है, इन पत्थरों का टूल्स बनाया करते थे और इसको उपयोग करते थे जानवरों को मारने के लिए। तो यहाँ पे टूल्स में कोर टूल्स दिया हुआ है, फ्लैग टूल्स दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स टूल्स दिया हुआ है, और कुछ ब्लेड टूल्स दिया हुआ है कुछ काटने के लिए। इस तरह का टूल्स जो होता है ये ब्लेड टूल्स है। उसके बाद केव ड्विलिंग मतलब वे लोग नेचुरल केव, जो पहले से गुफा बने होते थे उसी गुफा में वे रहते थे, और फूड के रूप में उन लोग पेड़ों से फ्रूट्स वगैरह जमा किया करते थे, उसी को खाया करते थे। इसके अलावा जानवरों को, मछलियों को खाया करते थे वे लोग। इसके बाद इसी युग में, पूरा पाषाण काल युग में, डिस्कवरी ऑफ फायर आग का खोज हुआ और लोग आग जलाने के लिए सीख गए। उससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिला, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है टू कीप हिमसेल्फ वर्म, उन लोगों को आग के द्वारा, उन लोग गर्म रहते थे ठंडे के दिनों में, खाना पकाया करते थे और जानवरों को डराने के लिए काम आता था। इस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी बहुत आरामदायक हो गया आग का खोज से। तो यहाँ पर उसके बाद ये एज ख़त्म हो जाता है, मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज आ जाता है। तो यहाँ पे 10,000 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व से बतलाया जा रहा है, 10,000 से 8,000 मतलब 2,000 साल का ये युग बतलाया जा रहा है। तो यहाँ पे टूल्स में कुछ बदलाव आ गया, बेटर टूल्स, पहले से जो है टूल्स ज़्यादा अच्छा हो गया, स्मॉल साइज लेकिन उस समय होता था तो इसलिए माइक्रोलिथ्स उस टूल्स को कहा जाता था। यहाँ पर देखिए ये टूल्स जो है स्मॉल हो गया। उसके बाद इसी एज में उन लोगों ने एनिमल्स, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो है कुत्ते को पाला गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिकेशन ऑफ द डॉग वाज इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एज। इस एज में, इस युग में कुत्ते को पालना एक उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ, काफ़ी फायदेमंद हो गया। तो कुत्ते क्या करते थे, उन लोग जो शिकार करने के लिए निकलते थे, कुत्ते उन लोगों को मदद किया करते थे, उन शिकार को चेस करते थे, पीछा करते थे और पता लगाते थे कि शिकार कहाँ है। इस तरह से कुत्ते उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद ये युग समाप्त हुआ और न्यूलिथिक एज मतलब न्यू स्टोन एज, नवीन पाषाण काल युग शुरू हुआ। तो ये भी बीसी में ही है, बहुत पुराना, सबसे पुरानी बातें यहाँ पे किया जा रहा है। और सबसे पुराना जो हिस्ट्री होता है वो सिक्स क्लास में ही दिया रहता है, इसलिए सबसे पुराना हिस्ट्री आप ही लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसमें एग्रीकल्चर का खोज हुआ, लोग किसी तरह से पता चल गया कि जो बीज फेंकते थे तो कहीं ना कहीं पानी और हवा पाकर वो मिट्टी में उग गए। इस तरह से उन लोगों को पता चल गया कि बीज अगर हम रखें तो उसको बाद में उगाया जा सकता है। उसके बाद फूड, वहाँ पे कुछ सिस्टम उन लोग का बदल गया, उन लोग जो है क्रॉप्स मतलब फसल उगाने लगे, और राइस कल्टीवेट मतलब राइस का, चावल का खेती करने लगे। इस तरह से खाने में कई सारे वैरायटी उन लोगों का अब डिफरेंट होने लगा, मीट के अलावा उन लोग जो है पेड़ पौधों से
प्राप्त होने वाले ग्रेन्स मतलब अनाज का उपयोग करने लगे। उसके बाद टेमिंग एनिमल्स मतलब जानवरों को अब वह पालने लगे और उन लोगों से फ़ायदा उठाने लगे कि जानवरों को सिर्फ खाया ही जाए ऐसा उचित नहीं है। उन लोग किलिंग गॉड्स शिप्स और ऑक्सन पहले तो मारते थे, उनके जगह उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि इन लोगों को हम लोग पाल के भी इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। और फिर वे लोग काफ़ी सारे जैसे गॉड्स हो गया, काव हो गया, तो इससे उन लोगों को दूध प्राप्त होता था। ऑक्सन ऑल्सो हेल्प मैन पुलिंग एंड प्लाउज, तो ये बड़े बड़े जो जानवर हो गए, बैल हो गए, तो इस तरह के जानवर उन लोगों की गाड़ियाँ खींचने का काम और इसके अलावा हल चलाने के काम आने लगे। और फिर वे लोग कुछ कला सीखने लगे, जैसे कि पॉटरी हो गया, वीविंग हो गया, इस तरह की कई चीज़ें जो है वो लोग स्वयं बनाने लगे। पॉलिश टूल, अब टूल जो है उसको ज़्यादा नुकीला कर किया जाने लगा और उसको ज़्यादा धारदार बनाया जाने लगा। यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह से एरो हेड है, ये हैमर है यहाँ थोड़ी, और एक्स, इस तरह से कुल्हाड़ी बनाया जाने लगा पत्थर और लकड़ी के बेट लगाकर। उसके बाद इस युग में नियोलिथिक एज में इन्वेंशन ऑफ द व्हील, तो इसमें चक्का का आविष्कार हुआ जो उन लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया। अब जो है वे बड़े बड़े जानवरों को उसमें गाड़ी बनाकर उसमें लगा दिया करते थे और सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में वो आसान होने लगा और खुद भी गाड़ी में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जाने में उन लोगों को भी आसान होने लगा। द अर्ली विलेज, पहले का जो है गाँव के बारे में बतलाया जा रहा है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आगे में, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे बर्जहोम कहाँ पर है, तो यहाँ बतलाया जा रहा है ड्वेलिंग पीट्स, दे बिल्ट पीट हाउस, इस तरह से गड्ढा करके उन लोग जो है घर बनाया करते थे, अंदर में घुस के रहा करते थे। इस तरह का जो एग्जांपल्स मिला हुआ है आपको, ब्रजाहोम इन मतलब ये कहाँ है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा कश्मीर में, ब्रजाहोम जो है इन कश्मीर, कश्मीर में है, इस तरह से एग्जाम्पल मिला हुआ है जहाँ पर कई सारे चीज़ कुछ ग्रेन्स मिले हुए हैं विथ फूड ग्रेन्स स्टोर, पॉट्स मतलब फूड ग्रेन्स को स्टोर करने वाला जो पॉट्स है उस वह मिला हुआ है। सीप एंड गॉड्स एट हैंड लाइफ बिगेन टू बी कम्फर्टेबल, और जैसे कि सीप और गॉड्स को उन लोग पालते थे तो उस तरह का कुछ एग्जांपल वहां पे दिखाई देता है। उसके बाद ड्रेस एंड ऑर्नामेंट, जो गहने हो गए पहनने के लिए और ड्रेस कपड़े हो गए, तो इस एज में ही ऊल और कॉटन का उपयोग हुआ है। कम्युनिटी अफेयर्स, उसके बाद लोग गाँव की तरह बस कर एक जगह रहने लगे, तो एक जगह रहने से उन लोगों को जानवरों से या बहुत चीज़ों से भय नहीं रहता था, वो लोग अब एक गांव बनाकर एक झुंड बनाकर रहने लगे। उसके बाद यहाँ पे एक दिया हुआ है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले क्या था, मुद्रा नहीं था, मतलब रुपया या पैसा इस तरह से आज जो चल रहा है वो नहीं था, तो जिसके कारण वे लोग एक दूसरा व्यक्ति कुछ कोई भी वस्तु बनाता था तो दूसरे वस्तु तो और दूसरे वस्तु पाने के लिए वो अपने वस्तु को किसी और को दे देता था और उसका वस्तु वो ले लेता था। अपने ज़रूरत के अनुसार लोग अपने सामान को अदला बदली करते थे, इसी को बार्टर सिस्टम कहा गया। रिलीजियस बिलीव्स, उसके बाद धार्मिक बिलीव, भगवान पर विश्वास करना, कल भी था आज भी है और हमेशा ही बना रहेगा। वर्शिप द गॉड, यहाँ पे गॉड अर्थ मतलब धरती की पूजा करते थे क्योंकि इसी से खाना पीना तो सब मिलता था। द फोर्सेस ऑफ नेचर फ्राइटेन हिम, और वो लोग जो है फ्राइटेन ऑफ नेचर मतलब प्राकृतिक आपदा जो होता था उससे डरा करते थे। कभी बारिश होने लगा, तेज़ बारिश होने लगा, तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगा, तो ऐसी स्थिति में वो डरते थे और उन लोग समझते थे कि कोई ऐसा है जो मदद करेगा उन लोगों को। दे ऑल्सो रिमेन ए मिस्ट्री टू द अर्लियर मैन, ये सारी चीज़ें जो है उन लोगों के लिए एक रहस्य था, उन लोग कुछ भी जानते नहीं थे, इसलिए वे वर्शिप द सन वाटर मतलब रिवर फायर एंड ऑल्सो काव, तो उन लोग सूरज की पूजा करते थे, नदियों की पूजा करते थे, ये आग का, गाय का भी पूजा करते थे, उससे दूध उन लोग को प्राप्त होता था। तो इस तरह से उन लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी सारा बदलाव आते गया। द डेड वेयर नाउ ब्यूरिड, जब कोई आदमी मर जाया करता था तो उसका टूल्स जो रहता था उसके द्वारा यूज होने वाला टूल्स, वेपन, राइस, कुछ चावल होता था, बार्ली, ये जौ होता है, और अदर ग्रेन्स और कुछ भी ग्रेन्स अनाज जो रहता था उसके साथ में ग्रेव में मतलब उसका जो कब्र होता था उसमें डाल दिया जाता था और फिर उसको मिट्टी से ढककर बड़े बड़े स्टोन से उसको दबा दिया जाता था। लार्ज स्टोन स्लैब्स कॉल्ड मेगालिथिस, और इसको मेगालिथिस कहा गया। मेनी सच मेगालिथिस हैव बीन फाउंड इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में इस तरह के मेगालिथिस, इस तरह का लोगों का जो कब्र होता है बहुत सारा मिलता है। इसके आगे यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन में आपको मेहरगढ़ के बारे में मिलेगा। मेहरगढ़ नाउ इन पाकिस्तान, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में चला गया है, तो ये एक ऐसा जगह है जो हिस्ट्री की जानकारी देता है। नॉर्थ ईस्ट में ये एक जगह है डाउजली हैंडिंग, और ये जो है रिलेटेड करता है ब्रह्मपुत्रा वैली से। ब्रह्मपुत्रा जो चाइना से एक नदी आती है और हमारे इंडिया में इन करती है, तो उससे ये रिलेटेड है। और फिर आप देखिए यहाँ पे
समरी दिया हुआ है, तो समरी में शॉर्ट में बताया हुआ है, यहाँ पे समरी में बताया हुआ है पैलोलिथिक एज के बारे में, ओल्ड स्टोन एज के बारे में यहाँ बताया हुआ है, लाइफ इन द ओल्ड स्टोन एज किस तरह से वे रहते थे, क्या खाते थे, और उसमें डिस्कवरी ऑफ फायर मतलब आग का खोज हुआ, उसके बाद मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, और इसमें क्या क्या चीज़ हुआ इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया हुआ है, न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, इसमें एग्रीकल्चर और यहाँ पे क्रॉप्स का, जो क्रॉप्स ग्रोइंग का काम होने लगा, उन लोग अनाज उगाने लगे, उसके बाद एनिमल पालने लगे, बास्केट वगैरह पोल्ट्री का सारा काम इसी युग में हुआ, इसके अलावा चक्के का इन्वेंशन भी इसी युग में हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे समरी समाप्त हो जाता है, और यहाँ पे मैं स्पेशली आप लोगों को इसका आंसर बतलाने के लिए ही इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, और जो टिक लगाने वाला है उस पर मैं टिक लगा के दिखा दूंगा, और जो लिखने वाला है स्क्रीन पे आपका लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है विच वाज ए मेजर डिस्कवरी इन द लाइफ ऑफ द पैलोलिथिक मैन, पैलोलिथिक मैन के युग में कौन सा मेजर डिस्कवरी हुआ मतलब मुख्य खोज हुआ, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फायर, डी नंबर का हो जाएगा, तो इस पर मैं टिक लगा देता हूँ, ये इसका आंसर ये है, द नीलिथिक साइट एट मेहरगढ़ इन इज इन, तो मेहरगढ़ मैंने बताया था कि पाकिस्तान में चला गया है, तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे टिक लगा देते हैं। और फिर इन विच एज डिड मैन बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स, तो क्रॉप्स उगाना किस युग में उन लोगों ने शुरू किया, तो न्यूलिथिक एज में, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये बी नंबर में हो जाएगा, ये हो गया। वेयर इज बर्जहोम लोकेटेड, तो बर्जहोम आप लोगों को मैं दिखाया हूँ कि वो कश्मीर में है, तो कश्मीर में लगा देते हैं, ये हो गया आंसर। अब नेक्स्ट इसको फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी दिया हुआ है ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको चूज करके भरना है। फर्स्ट में दिया हुआ है द अर्लीस्ट टूल्स व्हिच मैन यूज्ड वेयर मेड अप, तो सबसे पहले किस चीज़ का टूल्स उपयोग किया गया, तो स्टोन का टूल्स पहले यूज हुआ, तो स्टोन ही आएगा इसमें। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक एज वॉज दैट ऑफ, तो न्यूलिथिक एज में कौन सा महत्वपूर्ण खोज हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा व्हील, इसका चक्के का खोज जो है इस युग में हुआ। उसके बाद द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड वाज, कौन सा जानवर को सबसे पहले पाला गया, तो डॉग को सबसे पहले पाला गया, तो यहाँ डॉग पे लगा देते हैं। उसके बाद मैन बिकम द फूड प्रोड्यूसर इन, फूड प्रोड्यूसर मैन कब बना, तो इसको मैन प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि अनाज उगाने वाला, प्रोड्यूसर उगाने वाला, तो ये जो है कृषि जब उत्पन्न हुआ तो कृषि न्यूलिथिक एज में ही हुआ था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देयर आर ट्रू फॉल्स, द ओल्ड स्टोन एज वाज द एज व्हेन मैन यूज पॉलिश टूल, तो सबसे पुराने पाषाण काल में लोग पॉलिश टूल का उपयोग करते थे, तो ये गलत है, इसको हम फॉल्स कर देते हैं, एफ कर देते हैं, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद मैन इन द ओल्ड स्टोन एज वाज एबल टू इग्नाइट फायर वेन एवर ही नीडेड इट, मतलब उस समय लोग आग जला सकते थे ओल्ड स्टोन एज में, तो ये सही है, उसी समय आग का आविष्कार हुआ था, तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, इसको हम ट्रू कर देते हैं, ट्रू हो गया। द ओल्ड स्टोन एज वाज फॉलोड बाय द न्यूलिथिक एज, यहाँ पे बतला रहा है कि ओल्ड स्टोन एज में ही न्यूलिथिक एज था, तो ऐसा नहीं है, ओल्ड स्टोन एज जो है पैलोलिथिक सबसे फर्स्ट में जो आता है वो एज इससे रिलेट करता है, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स लगा देते हैं, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। और यहाँ टूल्स इन द मेसोलिथिक एज बिकम स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड, तो ये सही है, उस समय मेसोलिथिक मध्यम पाषाण युग में उन लोगों का टूल्स जो है छोटा छोटा हो गया था, तो ये ट्रू हो गया, तो ये यहाँ पे ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गया। अब जो है मैच करने के लिए हम लोग इसको मैच करेंगे, आज मौसम काफ़ी ख़राब है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई दे रही होगी, फिर भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई तो देगा ही, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओल्ड स्टोन एज जो है केव ड्विलिंग, मतलब ओल्ड स्टोन एज में ही वे लोग गुफाओं में रहते थे, नेचुरल केव में रहते थे, तो ये जो है सी के साथ मैच करेगा, यहाँ पर इसको मैच कर देते हैं सी के साथ। उसके बाद मेसोलिथिक एज, ये जो है मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों को पालना शुरू हुआ था, तो इसको यहाँ ले जाते हैं। नीलिथिक एज, नीलिथिक एज में ड्रेस ऑफ ऊल एंड मैट ऑफ ऊल एंड कॉटन, तो ये हो जाएगा बी नंबर में चला जाएगा ये, तो इसको यहाँ ले जाते हैं बी नंबर। और भीमबेटका, भीमबेटका एक ऐसा गुफा है जहाँ पर कैब पेंटिंग, वहाँ पर पेंटिंग हुआ था, मतलब प्राचीन लोगों ने उसमें उसके अंदर पेंटिंग बनाए हुए थे, तो इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, तो इसको इधर उधर नहीं दिया हुआ, ये सीधा दिया हुआ है, तो इसको सीधा कर लेते हैं ये यहाँ। उसके बाद डॉलोजी हैंडिंग, ये जो है ब्रह्मपुत्रा वैली से रिलेट करता है, आपको वहाँ दिखाए थे, तो यहाँ पर इसको
मिला लेते हैं यहाँ, तो ये हो गया। उसके बाद कुछ बच गया? कुछ नहीं, सब कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैच द फॉलोइंग हो गया। अब मैं आपको शॉर्ट आंसर जो है ये बता देता हूँ, ये यहाँ पे लिखना मुमकिन नहीं है तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेम एनी टू प्लेस इन नॉर्थ इंडिया फ्रॉम वेयर द न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड। न्यूलिथिक इम्प्लीमेंट्स मतलब जो है उस समय का औजार, उस समय का हथियार जो है, तो कौन से जगह में नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, वैसा जगह का नाम बतलाना है, दो जगह का नाम बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, कई जगह दिया हुआ है लेकिन इसका आंसर असम और बिहार लिख सकते हैं, वो भी जगह दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन टू यूजेज ऑफ फायर टू अर्ली मैन, अर्ली मैन के द्वारा आग का उपयोग, दो उपयोग बतलाना है। तो उन लोग अपने आप को गर्म रखने के लिए उपयोग करते थे, टू कीप हिमसेल्फ वार्म एंड टू कुक फूड, खुद को गर्म रखने के लिए और खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करते थे। उसके बाद वेयर डू वी कम अक्रॉस रॉक शेल्टर एंड नेचुरल केव इन इंडिया, मतलब कहाँ पे जो है नेचुरल शेल्टर और नेचुरल केव, रॉक शेल्टर और नेचुरल केव इंडिया में कहाँ पे है, कोई जगह का नाम बतलाना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो भीमबेटका एक ऐसा जगह है जहाँ पे रॉक शेल्टर और नेचुरल केव दोनों है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, तो बार्टर सिस्टम जिसको हिंदी में बोला जाता है वस्तु विनियम किसे कहते हैं, तो बार्टर सिस्टम इज एन एंशियंट मेथड ऑफ एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर गुड्स, दूसरे के सामान को पाने के लिए अपने सामान को अदला बदली करना बार्टर सिस्टम कहलाता है। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, आपको आंसर जो है स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसको मैं इसी बार में कंप्लीट कर देना चाहता हूँ। जो भी लॉन्ग आंसर बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है हु एम आई, मैं कौन हूँ, आई एम फूड गैदरर, मैं भोजन जमा करने वाला हूँ, आई एम तो वो कौन है, मतलब किस युग का आदमी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेसोलिथिक मैन, मेसोलिथिक युग का जो आदमी है वो फूड गैदरर था। उसके बाद आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द न्यूलिथिक मैन, न्यूलिथिक युग का उस समय के आदमी का मैं बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन, आविष्कार हूँ, तो वो क्या चीज़ था, इसका आंसर हो जाएगा द व्हील, मतलब व्हील जो है उस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन था। इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जितने थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस तरह के और भी वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिलेगा। तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।